अब तक आपने सुना होगा कि पुलिस थाने में जनता की फरियाद सुनकर उसका समाधान किया जाता है, लेकिन बलरामपुर में एक महिला नगर सैनिक ने थाने में कार्यरत महिला प्रधान आरक्षक पर गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगाया है। घटनाक्रम से आहत होकर नीलम खलकू ने मामले की लिखित शिकायत थाना प्रभारी और एसपी से कर दी। मामले को लेकर नीलम खलकू ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च अधिकारियों के पास वो शिकायत लेकर पहुंचेंगी। इधर एडिशनल एसपी ने कहा है कि महिला नगर सैनिक ने लिखित में शिकायत दी है, जिस पर जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। संध्या समय था, 6:15 बज रही थी, झंडा उतारने का टाइम हो गया था। अधिकारी के आदेशानुसार मैं उनका नियम का पालन कर रही थी। जब मैं झंडा उतारने चढ़ी थी तो प्रीति साहू प्रधान आरक्षक क्रमांक 259 वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी और बोलने लगी कि होमगार्ड के जवान झंडा नहीं उतार सकते। इस प्रकार का कोई मैटर नहीं था, बस उसे बढ़ा चढ़ा कर उसके द्वारा बताया गया है। और हमारे यहाँ तो थाना में भी उसके द्वारा कई बार लड़ाई झगड़ा केस कर चुकी है, उसका रिपोर्ट वगैरह भी डाले हैं। मेरे पर हाथ उठा दी थी महिला, हाथ उठाकर मेरा फोन उसने तोड़ दिया है और उसको समझाते हुए मैंने बात किया है तो बस उसने अपने जाति का फायदा उठाकर उसने मुझे बदनाम करने के लिए मीडिया पर मेरे नाम को बदनाम करने के लिए मुझे आरोप प्रत्यारोप लगाया। थाना कोतवाली बलरामपुर में पदस्थ एक महिला नगर सैनिक नाम नीलम खलको है, उनके द्वारा भी शिकायत दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान में महिला प्रधान आरक्षक जो है प्रीति साहू उनके साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की की है। इस संबंध के बाबत आज थाना प्रभारी बलरामपुर को एक आवेदन प्राप्त हुआ है महिला की तरफ से, उसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो जो वैधानिक कार्रवाई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में की जाएगी।